अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताएं हम किस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं खान सर ऑन चाइना एंग्री फुल लेंस खान सर। तो फिर देखेंगे चाइना की माँ बहन ने की है तो बगैर की रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। चाइना एक कुत्ती कौम है। हाँ, हम लोगों ने पता नहीं क्यों चाइना को अपना दोस्त बना के रखा है, समझ नहीं आती। हम मन क्या बोले इनके लिए, सुनिए ध्यान से। नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा और इमरान खान की पत्नी को सी जिनपिंग लेके भागा। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया। उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया। हम लोग मर रहे हैं, कितने लोग गंगा में लाशें बह रही हैं चीन के वजह से कोरोना। हम लोग की जान देन थोड़ी है। शुरुआत में ही चट्टा बोल देता अगर वो 2019 में ही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है तो हम लोग बैन लगा देते लोग चाइना के ट्रेवल पर। लेकिन नहीं, और हम लोग एकदम आराम से चाइना नाराज ना हो रहा चट्टा कहीं का है। तो ये हो सकता है हमारे न्यूज़पेपर पे ये छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन ये सी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है। इसका बेटा ने पूरी दुनिया कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था। हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोंपू मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उस जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी। उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBB प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया। पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया यहाँ पे। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सफर, एक बहुत फेमस ये एक आर्ट था लियोनार्डो दी विंची, इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया। अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सफर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है जो BBB प्रोग्राम में, जिसमें भारत भी को भी शामिल करने की बात की गई। अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को, इससे बहस नहीं है। लेकिन भारत को इसने स्टेबल पर नहीं बैठाया क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है। तो देखिए भारत को उसने हाथी का शकल दिया और यहां नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है। तो इस चुट्टे ने हाथी का शकल दिया यहां पर। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा। देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं। इन लोगों के साथ क्या किया, ये इनके देश का मैटर है, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर। हमारे देश को देखिए, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें। लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गए थे। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए यहाँ पर, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है और यहाँ पर एक और स्लाइन चल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सफर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा। इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र दिखा रहा है। और जब हरामीपन कर, भारत में हिंदू की आस्था है, ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ है, वो गौमूत्र कोई प्यास बुझाने के लिए नहीं पूछते हैं, उनका उनकी आस्था है, किसी के में उसमें नहीं जाना चाहिए, इससे सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। अब यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है, अरे भाई साहब हमारे यहाँ आस्था है, कोई गंगा जल में विश्वास करता है तो कोई आबे जमजम में विश्वास करता है। तो इस तरह का मजाक, वो भी वो देश जो कोरोना फैलाया पूरी दुनिया में, उस हरामी के बच्चे ने दिखाया कि इस तरह की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है चाइना को। उसकी सरकारी मीडिया इतना हिम्मत कर सकती है क्योंकि चीन की मीडिया जो लिखती है वो ये माना जाता है कि चीन की सरकार के पे लिखी है क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब। इस तरह का मैगजीन क्या हमारे फ्रंट पेज पे छप सकता है, फादर ऑफ कोरोना? फादर डे के दिन सबसे अच्छा इमेज अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। हमारे न्यूज पेपर पर यह छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन सी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है, इसका बेटा ने पूरी दुनिया में तबाही मचाया। लेकिन नहीं, हम लोग चाइना का नाम आता है तो सोच समझ के काम करने लगते हैं। हम लोग को भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। भारत यहां
अपना कुछ खास स्टेप नहीं ले लेता है वहाँ पर, खुल के बोलना चाहिए कि ये कोरोना जो है चाइना की देन है, वो वुहान लैब से लीक हुआ था। जब कभी जब श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की जांच एलटीटी के खिलाफ यूएनओ में हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जांच यूएनओ में हो सकता है, हमास इजराइल का मामला, इजराइल ने कितने रॉकेट मारे, कितने मिसाइल मारे, इसकी जांच अगर यूएनओ में हो सकती है, तो बताइए कोरोना के वजह से चाइना ने इतना कोरोना फैलाया, लाखों करोड़ों लोग की जान गई, इसकी जांच क्यों नहीं होगी यूएनओ में? और अगर यूएनओ काम जांच नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए साला, यूएनओ किस काम का? यहां हमारे यहां लाशें बिछ गई और हम लोग के किसी भारत के किसी बड़े नेता को आप नहीं देखे होंगे जो खुल के चाइना का विरोध किया होगा। चाइना हर जगह अपना दादागिरी दिखा रहा है, वो अमेरिका को कंपीट करना चाह रहा है चाइना, जबकि हमारे यहां सॉफ्ट नीति चाइना के प्रति, चाइना के नाम आते एकदम सॉफ्ट नीति हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जांच होना चाहिए, ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा जांच होना चाहिए, कभी सुने भारत के किसी बड़े पद पर हमारे प्रधानमंत्री को ये आलोचना करते हुए कि ये खुल के बोलते हुए कि वुहान लैब से निकला, इसमें क्या डर रहा है भाई? जबकि हमेशा उसको फायदा होता है व्यापार से, बंद होगा व्यापार उसको घाटा हो जाएगा, लेकिन मोदी जी भी जब गुजरात के सीएम थे उस समय इतना एग्रेसिव रहते थे, भाषण देते थे कि चीन को ऐसे सबक सिखाना चाहिए, अब तो खुल के स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हमारी सीमा पर चाइना घुस गया जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी उस समय, और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना जाके क्या बोले, एंड ही मेड स्टेटमेंट दैट ही लाइक्स बीजिंग सो मच दैट ही वांट्स टू स्टे देयर। ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है, चाइना आपके यहाँ घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा मैं वहीं रह जाऊं, क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? हम लोग मर रहे हैं, कितने लोग गंगा में लाशें बह रही हैं चीन के वजह से, कोरोना हम लोग की जान देन थोड़ी है। शुरुआत में ही चट्टा बोल देता अगर वो 2019 में ही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है तो हम लोग बैन लगा देते लोग चाइना के ट्रेवल पर, लेकिन नहीं, और हम लोग एकदम आराम से चाइना नाराज ना हो रहा, चट्टा कहीं का उसको ट्विटर पे पूरा दुनिया को, तो हम कहते हैं कि चाइना को मतलब एक सबक सिखाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, साला इतना जान गया है वहाँ पे चाइना से। आप बताइए क्या भारत सरकार को एग्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एकदम कड़े नीति की जरूरत है कि उससे तो हमें फायदा है ना, उधर साला गलवान घाटी में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में हम लोग का मजाक बना रहा है, इस तरह से भारत का मजाक उड़ा दिया गया। इस पर ट्विटर पे ट्रेंड नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट ऑन चाइना वगैरह इस पर नहीं ट्रेंड होगा यहाँ पर, हम तो कहते हैं इस पर भी धज्जी उड़ाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से ये ट्रेंड होना चाहिए कि चाइना को उसकी समझ में आए। चाइना में ट्विटर वगैरह नहीं चलता है क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ट्विटर फेसबुक चालू कर दिया तो वहां के लोग जो बहुत खुश होते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आजादी क्या होती है। जैकमा थोड़ा सा बात बोले थे कि चाइना की सरकार मतलब बहुत स्टिक होती है, जैकमा को गायब कर दिया ससुरा, कहाँ चल गए जैकमा? अलीबाबा के एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते थे, हमारे यहाँ ऐसा आजादी थोड़ी है, हमारे यहाँ कोई मर्यादा में रह के प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, यही तो भारत का लोकतंत्र है, हवाई चप्पल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमने वाला प्रधानमंत्री को बोलता है, हाँ आप मर्यादा में रह के कुछ भी बोलेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या है कि एकदम अंधविरोधी बन जाइए या तो अंधभक्त बन जाइए, अंधभक्त बनिए तो कुछ कमी ना सुनाई दे, अंधविरोधी बनिए तो दिन रात गरीबे कीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया, उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरा ट्विटर अकाउंट पर फर्जी आईडी बहुत ज़्यादा बना है, हम खुद चेक करने के लिए कोशिश किए तो खान सर लिखे तो ससुरा इतना ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा ओरिजिनल आई भी नहीं किया ससुरा यहाँ पर, अब हम परेशान हैं, इसमें से कोनो मेरा ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर, और इस ट्वीट के इंतजार किया एंड पे एंड कर दिया, एंड कर दिया, पता ही नहीं मेरा कौन सा ट्विटर अकाउंट है, खान सर फुल कंफ्यूज है। तो मजा आ गया यार वीडियो देखा, ये पहली वीडियो खान सर की, बहुत ज्यादा वीडियो देखी जो बहुत अच्छी लगी, ये सबसे अच्छी वीडियो यार, वीडियो में मैं खो गया था कि खान सर सैल्यूट, बड़ी सैल्यूट और इसमें की बातें की खान सर, पेश करता हूं खान सर, बिल्कुल मजा आ गया यार खान सर की वीडियो देखा, इतनी ज्यादा कुत्ते खानी खान सर ने कर दी चाइना की, अगर जब कुछ कर जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते ना तो फिर हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, यार वो तो होना ही है ना, वो सबको पता है कैसे होता है। देखिए चाइना के कुत्ते खाने की मजा आ गई, चाइना के एकदम ले ली खान सर ने, खान सर ने जो किया है चाइना की, वो जो ज्यादा गुस्से हैं वो जो इंडिया को शक्ल दी थी हजरती साहब इस्लाम को, जो अमेरिका और दूसरे बनाए हुए थे, उन्होंने एक चैप्टर लिया ना उसका बाइबल, जो हाथी को बिठाया हुआ था वो इंडिया को बनाया, वो नंदी भगवान है मेरे ख्याल से इनका, तो इतना भी नहीं पता, लेकिन उसको उसकी शक्ल दी है वो पसीना दे रहा था, लेकिन लानत है। और चाइना में बहुत ज्यादा है, और जो हमारा एक बोलते हैं चाइना पड़ा एक दोस्त है, उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा कत्ल मुसलमानों का हो रहा है, उसके अंदर मुसलमानों को जिंदा से जिंदा
फेरी जा रही है। तो मजा आ गया बेटे, देखा बेटो के, अस्सलाम वालेकुम।